पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मैंने इंतजार की कुर्सी को पहले ठोक के आज कर के बाहर फेंक के रखा था। बंगाल नाम है एक खूबसूरत सरजमीन का। और यहाँ के वासियों की सियासी तारीख और किरदार अपनी सरजमीन की तरह दिलकश और काबिले जिक्र है। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बंगाल की मजाहिमत बड़े सगीर के किसी भी दूसरे इलाके के मुकाबले में कम से कम 100 साल पहले शुरू हुई। बंगाल के वासियों ने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जालिमाना कार्रवाइयों और चालों का मुकाबला किया। दरअसल बंगालियों की शिकस्त के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बकिया हिंदुस्तान पर कब्जा करना मुमकिन हो सका। ये सन 1757 की बात है। बंगाल का बेखौफ हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान आखिरी खूरेज मारका होता है। सिराजुद्दौला गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजों को ये मालूम था कि ये मुकैद बंगाली हुक्मरान न बिक सकता है न बदल सकता है, इसलिए आखिरकार उसे कत्ल कर दिया गया। अंग्रेज बंगालियों की इस शिकस्त को पूरे हिंदुस्तान की यकीनी शिकस्त से ताबीर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक सिवाय बंगालियों के अपने खिलाफ कोई बड़ा मद्द मुकाबल ना देखा था। शायद अंग्रेज की सोच गलत भी न थी। सिराजुद्दौला के बाद इस खित्ते में अगर किसी ने अंग्रेजों को बार बार खौफ जदा किया तो वो सिर्फ हैदर अली और उनके फर्जंद टीपू सुल्तान थे। उनका ताल्लुक जनूब वस्ती हिंदुस्तान की रियासत मैसूर से था। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गिरफ्त फैसला कुन हद तक मजबूत हो गई और यूं दो सदियों पहले तिजारत की गर्ज से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी हिंदुस्तान पर कब्जा करने में सिर्फ 50 साल लगाए। राज के खिलाफ अगरचे पूरे हिंदुस्तान में तहरीक मौजूद थी, लेकिन बंगाल के रहने वालों ने ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले तलवार उठाई। अंग्रेजों के खिलाफ इस मजाहिमत में शऊर, अहलियत और वफादारी के अनगिनत मुजाहरे देखे गए। यही वो मिसालें थीं जिनकी शोहरत ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बगावत का हौसला दिया और यही अवामिल सन 1857 की जंग आजादी का बाइस बने। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी की इब्तिदा में बंगाल ने फिर सबसे पहले सर उठाया। मशरकी बंगाल ने सूबे की तकसीम का मुतालबा किया। 1905 में अंग्रेज साम्राज्य ने मजबूर होकर सूबे को मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया। 1905 का तकसीम बंगाल एक बड़ा अहम वाकया है, क्योंकि जहां उसने एक तरफ मगरबी बंगाल में बंगाली कौम परस्ती को उभारा, वहां दूसरी तरफ मशरकी बंगाल के अंदर मुस्लिम शनाख्त इसने पैदा किया। अगर आप पाकिस्तान की बुनियाद को ढूंढें तारीख में तो उसकी बुनियाद के जो ट्रेसेस हैं वो 1905 में आपको नजर आते हैं। ढाका मशरकी बंगाल का सदर मुकाम था। हिंदुस्तान में आजादी नई सूरत अख्तियार करने लगी। सन 1906 ये शहर ढाका ही था जहां इस तहरीक की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। बंगाल से जन्म पाने वाली ये जमात आने वाले चंद वर्षों में कांग्रेस के बाद बर्रे सगीर की दूसरी बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभरी।
दूसरी जंग अजीम जारी है। यूं लगता है जैसे कि बर्तानिया को शिकस्त हो जाएगी। कांग्रेस के रहनुमा सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की हिमायत में कमर बस्ता है। ये सन 1940 की बात है, जब मुस्लिम लीग तारीखी शहर लाहौर के एक जलसे में तकसीम हिंद से मुतालिक करारदाद पेश करती है। पहली बार तकसीम हिंद की करारदाद पेश करने वाला ये जलसा भी बंगाली रहनुमा मौलवी फजलुल हक की सदारत में हो रहा था। करारदाद पाकिस्तान जो है बंगालियों ने पेश की। जब शेर बंगाल का नारा लगा तो कायदे आजम तकरीर कर रहे थे, उन्होंने तकरीर अपनी बंद कर दी कि शेर आ गया। पहले जब प्रपोज किया गया था पाकिस्तान तो ये कहा गया था कि दो ऑटोनमस स्टेट्स होंगे, लेकिन उस 23 मार्च की जो रेजोल्यूशन थी उसके बाद उनने बंगाल ने ये ज्यादा किरदार किया कि नहीं, हम एक मुल्क होंगे। जंग अजीम बरतानिया और इत्तेहादियों की फतह पर खत्म होती है, लेकिन बरतानिया इस कदर कमजोर हो चुका था कि इसके लिए अपनी नौ आबादियात बिलखसूस बर्रे सगीर को काबू में रखना मुमकिन ना रहा। सन 1946 के इंतखाबात होते हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में बंगाल में मुसलमानों के लिए मुख्तस 119 नशिस्तों में से 113 पर मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। यूं ये इंतखाबात बंगाल में इस कामयाबी के बाद कयाम पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील साबित हुए। और जब इन्हीं अराकीन ने बंगाल से मरकजी दस्तूर साज असेंबली के अराकीन का चुनाव किया तो 33 में से 32 नशिस्तें मुस्लिम लीग के हिस्से में आई। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि लियाकत अली खान और शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे अकाबरीन को दस्तूर साज असेंबली में पहुंचाने का सेहरा भी बंगाल के सर है। क्योंकि बंगाली रहनुमाओं की तजवीज पे स्टेट्स को स्टेट कर दिया गया था तो ये भी तसव्वुर देना था कि हम एक ही मुल्क है। मशरकी पाकिस्तान या मशरकी बंगाल से वोट नहीं मिलता पाकिस्तान के हक में तो फिर मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान आजाद नहीं होते, एक मुल्क पाकिस्तान कायम नहीं होता। सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनाने में रोल अगर किसी एक सूबे का अगर हम कहना चाहें तो उसे बंगाल का था। 1947 में पाकिस्तान की इब्तदाई काबीना में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं को कानून, मेहनत, तामीरात, दाखला, इत्तलात और नशरियात और तालीम जैसी अहम वजारतें मिली। शायद अब वो दौर आता है जब बंगाल के रहने वालों को अंग्रेजों के खिलाफ पहली मुजाहिमत करने, बंगाल को तकसीम करने और मुस्लिम लीग को सूबे में फैसला कुन कामयाबी दिलवाने का सिला मिलना था। पाकिस्तान के कयाम को एक बरस बीता था कि बंगाल में जबान का मामला शिद्दत से उभरने लगा। इस मौके पर कायदे आजम ने मौकफ इख्तियार किया, पाकिस्तान की जबान उर्दू होगी। कायदे आजम को खुद बोलने नहीं आती थी उर्दू। उस पर वो एहतजाज भी हुआ, उसके बाद वहाँ उस एहतजाज पे गोलियां भी चली और वो शहीद मीनार भी बना। तो ये पाकिस्तान के तकसीम होने की इब्तदा है। अगर आप अपने किसी सूबे के लेते, यहाँ से पंजाबी ले लेते या सिंधी ले लेते तो वो रिएक्शन वही होना था और बंगाल में बड़ा एडवर्स होना था। तो ये बड़े मसलियत के बाद इन्होंने कहा कि हम दोनों ऑफिशियल जबानें और कौमी जबान एक तरीके से वो रखेंगे जो इस खित्ते से नहीं ताल्लुक रखती। और बंगाल वाले ये समझ रहे थे कि अगर उर्दू कौमी जबान हो तो हम किसी तरीके भी उसके अंदर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, ना मुकाबला के इम्तिहानों में हम आगे आ सकते हैं, ना हकूमती मुलाजमतों में आगे आ सकते हैं, तो इस तरीके से हमारी हैसियत सेकेंडरी हो जाएगी।